नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज मैं आपको टेली प्राइम के 5 बेहतरीन वाउचर सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। मेरा मानना है कि ये टेली प्राइम का सबसे बेहतरीन टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें बिना स्किप करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप इस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास समय हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे हमने यहाँ पर जो सीरियल नंबर लिया हुआ है वो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि हमने एक सीरियल नंबर पहले से ही यूज कर रखा है। अब आप जब भी कंपनी का कोई इनवॉइस देखते हैं तो वहाँ पर जो उसका सीरियल नंबर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके का अगर आप सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से सेल्स वाउचर के अंदर कर सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको उसके बारे में बता देता हूँ। आपको स्कैप करके पीछे आना है। स्कैप करके पीछे आने के बाद यहाँ पर आपको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। यहाँ से जाने के बाद आपको लेना होगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में जाने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेल्स वाउचर को। सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन लिखा हुआ है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक। तो इसके ऊपर आकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक इसको आपको ले लेना है मैनुअल। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि जो भी सेल्स वाउचर के अंदर आप कोई भी एंट्री पास करेंगे तो टैली प्राइम ऑटोमेटिक आपको नंबर देता चला जाएगा, यानी आप इसके अंदर डुप्लीकेट एंट्री पास नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर मैनुअली का यूज़ करेंगे तो मैनुअल में क्या प्रॉब्लम होती है कि आप यहाँ पर जो भी सीरियल नंबर डालना चाहें, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, स्कैप करके पीछे आप चले जाइए। वाउचर टाइप के अंदर यहाँ पर आप सीरियल नंबर जो भी देना चाहें वो इजीली दे सकते हैं, यानी आप अगर डुप्लीकेट सीरियल नंबर दे करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये उस डुप्लीकेट सीरियल नंबर को भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि हमने इसकी एंट्री पहले से ही पास कर रखी है। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए और यहाँ पर देखिए हमने 1 टाइप कर दिया, इसने 1 को एक्सेप्ट कर लिया। यानी आप मैनुअली में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो हमें इसे मैनुअल नहीं रखना है। हम इसे स्कैप करके वापस पीछे चले जाते हैं। यहाँ से आप चले जाइए चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, यहाँ से चले जाइए वाउचर्स के अंदर और यहाँ से चले जाइए आप सेल्स वाउचर के अंदर। सेल्स वाउचर में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनुअल की जगह इसको रखना है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक रखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का। तो आपको इस वाले ऑप्शन को यस कराना है। यस करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग नंबर, यानी आपका जो इनवॉइस है उसका स्टार्टिंग नंबर कितने नंबर से होना चाहिए। तो फर्स्ट इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, यानी दूसरे नंबर से हमारा इनवॉइस नंबर स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन लिखा हुआ है विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, यानी आपका ये जो सीरियल नंबर है वो कितने न्यूमेरिकल पार्ट्स के अंदर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रखेंगे 4, यानी 4 का मतलब जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपका सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है प्रीफिल विथ 0, इस वाले ऑप्शन को आपको यस करा के रखना है। यस रखने के बाद अब आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप जो भी एप्लीकेबल डेट रखना चाहें, यानी सीरियल नंबर की जो भी एप्लीकेबल डेट रखना चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं कि इस डेट से आप इसे एप्लीकेबल कर रहे हैं। और यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन है कि आप इसे डेली यूज़ करना चाहते हैं, मंथली यूज़ करना चाहें, इसे कभी यूज़ नहीं करना चाहते, आप इसे वीकली यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप इसे ईयरली यूज़ करना चाहते हैं। तो हम इसे पूरे साल के लिए सेट कर देते हैं कि हम पूरे साल ही इसी तरीके का इनवॉइस चाहते हैं। इसके बाद हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रीफिक्स डिटेल के अंदर आपको क्या करना है, और यहाँ पर आपको जो भी अपना अल्फाबेट पार्ट देना है वो यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ XL और इसके बाद स्लैश। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर भी आपको अपनी एप्लीकेबल डेट जो रखनी है वो यही सेम रखनी है। आप आगे बढ़ जाइए और यहाँ पर आपको पार्टिकुलर्स के अंदर क्या देना है, पार्टिकुलर्स के अंदर हमें जो देना है वो देना है स्लैश 2021 से लेकर के 22 तक हमारा बिल जनरेट हो, यानी इस साल का हमारा ये इनवॉइस नंबर शो होगा। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपको सिंपल एंटर करके यहाँ पर नीचे आकर के इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपका इनवॉइस किस तरह से शो होगा। तो स्कैप करके पीछे आ जाइए, वाउचर्स के अंदर चले जाइए। आप देखेंगे आपका जो सीरियल नंबर था वो XL 0002 2021 से लेके 2022 यहाँ पर आपके सामने आपको जो इनवॉइस नंबर था वो शो हो गया। तो ये बाय डिफॉल्ट 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 अपने आप लेता चला जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर किसी पार्टी का नाम ले लीजिए, मैं सेल्स कर देता हूँ किसी पार्टी को, और इस वाले इनवॉइस नंबर को मैं यहाँ पर यूज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम ले लेंगे सेल्स और किसी भी आइटम को हम यहाँ पर उठा करके सेल कर देते हैं।
यहाँ पर हम वन की क्वांटिटी ले लेते हैं, प्राइस ये ऑटोमेटिक ले लेगा, एंटर करके हम इसको इसके ऊपर IGST यूज कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर आप न्यू रेफरेंस रखेंगे, आप देखेंगे न्यू रेफरेंस के अंदर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सीरियल नंबर उसने ले लिया 0002 का, तो यहाँ पर हम इसे एंटर करके सेव करा देते हैं। सेव करने के बाद अब आप देखेंगे आपका जो नेक्स्ट इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर देखिए 0003 शो हो गया। इसके बाद आप देखेंगे आपका ये सीरियल नंबर या बाय डिफॉल्ट अपने आप सीक्वेंस वाइज लेता चला जाएगा। इसके बाद स्कैप करके आप एक बार पीछे चले जाइए, पीछे आने के बाद हम वापस चले जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर और यहाँ से चले जाते हैं वाउचर टाइप्स के अंदर। यहाँ से आप चले जाएंगे सेल्स के अंदर और सेल्स में आने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है यूज इफेक्टिव डेट्स का, यानी यहाँ पर ये जो इफेक्टिव डेट है इसको हम यस कराएंगे। अब इसका यूज़ क्या होगा, ये हमारे इस वाउचर के अंदर क्या इफेक्ट डालेगा। इफेक्टिव डेट बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रांजैक्शन किसी अदर डेट पे कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका जो इफेक्ट है वो किसी और डेट पर आए, यानी आपका जो सेल्स का इफेक्ट है वो किसी और डेट पर शो हो, तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पर इफेक्टिव डेट को यस कराएंगे। मान लीजिए कि आपका जो सेल हो रहा है वो सेम डेट पर सेल हो रहा है, यानी जिस डेट पर आपने सेल किया है, जिस डेट पर आपने बिल काटा है, उसी डेट पर अगर आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है तो आप यही चाहेंगे कि आपकी जो इफेक्टिव डेट है वो सेम वही डेट हो। यानी मोस्टली जो सेल डेट होती है और इफेक्टिव डेट होती है वो सेम ही होती है, लेकिन किसी किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, इफेक्टिव डेट अलग होती है और सेल्स की डेट अलग होती है। यानी कि वो जो सेल होती है हमारी, वो हमारी ट्रांजैक्शन किसी और डेट पे की जाती है और उसका इफेक्ट में उसको हम किसी और डेट पर लाते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ इफेक्टिव डेट का यूज़ करते हैं। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, आप इसे सेव करके बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद जब भी वाउचर्स के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर आप किसी पार्टी को लेकर के एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका इफेक्टिव डेट जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप, जब भी आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ वाउचर की जो डेट है वो जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं और यहाँ पर इफेक्टिव डेट जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसका जो वाउचर डेट है वो 1 तारीख रखता हूँ और उसकी जो इफेक्टिव डेट है वो मैं 2 तारीख रखता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो क्या नाम है सेल हुई है वो 1 अप्रैल को हुई है और आपका जो सेल इनवॉइस है वो 2-4 को इफेक्ट में आया है। तो यहाँ पर आप जो भी डेट रखना चाहें वो रख सकते हैं, इसका भी बहुत यूज़ होता है कंपनीज के अंदर। अब इसके बाद हम चले जाते हैं वापस स्कैप करके पीछे, पीछे जाने के बाद हम वापस चले जाते हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर और यहाँ पर चले जाते हैं वाउचर्स के अंदर। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, यानी आपके जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर आपकी जो गुड्स है उनकी क्वांटिटी तो है मगर उसका रेट नहीं है। जैसे मान लीजिए आप सैंपल के तौर पे किसी कंपनी को अपना गुड्स देते हैं, उसका आप क्वांटिटी तो डालते हैं मगर उसका अमाउंट नहीं डालते, तो इस तरह की अगर आपके आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आप उस चीज़ के लिए यहाँ पर जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको एप्लीकेबल करा के इसको ट्रांजैक्ट करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। आप चले जाइए वापस कैप करके पीछे और यहाँ पर आ जाइए वाउचर्स के अंदर। यहाँ पर हम फिर से कोई पार्टी ले लेते हैं, मान लीजिए इस पार्टी को मैं वापस एक सैंपल के तौर पर किसी गुड्स को भेज रहा हूँ जिसका मैं प्राइस यहाँ पर नहीं डालूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेल कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं S510 को सेल कर रहा हूँ इसके पास। यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे इसका प्राइस तो यह बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेगा। हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, स्पेस दबा करके इसको हटा देंगे और हटाने के बाद हम एंटर करके इसको एंट्री को पास कर देंगे। तो पास करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास से क्वांटिटी तो डिक्रीज हो रही है, यानी हमारे पास जो क्वांटिटी है उसकी सेल तो हो रही है लेकिन अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा गुड्स है ये बेसिकली सैंपल के तौर पे उस पार्टी को जा रहा है। तो इस तरह की अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को एप्लीकेबल करना होगा। अगर आप जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को एप्लीकेबल नहीं करते हैं तो ये आपको अमाउंट यहाँ पर फिल करना ही पड़ेगा, तभी आपकी एंट्री पास होगी, अदरवाइज एंट्री आप पास नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए अगर आपको इस सैंपल के तौर पर किसी गुड्स को किसी पार्टी को भेज रहे हैं, दे रहे हैं और वहाँ पर आप क्वांटिटी दिखाना चाहते हैं मगर प्राइस नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उस तरह की ट्रांजैक्शन के लिए आपको यहाँ पर जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए स्कैप करके पीछे चले जाते हैं, हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नरेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा है प्रोवाइड नरेशन ईच लेजर इन वाउचर, यानी इस वाले ऑप्शन को अगर आप यस करा देते हैं तो यस करने के बाद यहाँ पर आप स्कैप करके पीछे आ जाइए, यहाँ से चले जाइए वाउचर्स के अंदर।
तो यहाँ पर आपके सामने जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, मान लीजिए मैं एक ट्रांजैक्शन और करके आपको दिखा देता हूँ कमल इंडस्ट्रीज का, और यहाँ पर मैं कोई भी क्वांटिटी ले लेता हूँ और यहाँ पर कोई भी अमाउंट दे देता हूँ, मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, क्वांटिटी लेने के बाद आप एंटर एंटर करके नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद जब भी आप आगे बढ़ेंगे यानी इसको सेव करेंगे इस एंट्री को, तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पर नरेशन का कोई भी ऑप्शन शो नहीं हुआ। तो ये किस वजह से हुआ, जब भी हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर नरेशन का एक ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाता है। तो इस नरेशन को हटाने के लिए आप यहाँ पर इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं यानी इसको यस कर सकते हैं। वैसे मैं आपको जो सलाह दूंगा वो यही दूंगा कि आप इसे नो ही रहने दें, आप इसे एप्लीकेबल ना करें, क्योंकि इसका जो यूज़ होता है यानी नरेशन का जो यूज़ होता है वो वाउचर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने ऑप्शन है प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर, इसको आप नो ही रहने दें। इसके बाद मैं आपको एक बार इनवॉइस दिखा देता हूँ कि अगर आप अपना इनवॉइस देखते हैं तो आपके इनवॉइस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चले जाइए अपने डेबुक के अंदर, डेबुक में जाने के बाद हमने जो भी सेल्स किए हैं आप देखेंगे उसके इनवॉइस नंबर सीरियल वाइज सिक्वेंस वाइज अपने आप शो हो रहे हैं। और इसके बाद मैं इसमें से कोई भी इनवॉइस ले लेता हूँ और इनवॉइस पे एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर ऑल्ट पी प्रेस करिए यानी प्रिंट निकालिए इसका। प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर करंट पे क्लिक करिए, और हमें फिलहाल इसका प्रिंट नहीं निकालना, हमें इसका प्रीव्यू देखना है। तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करके इसे ऑल्ट जेड कर देंगे। ऑल्ट जेड करने के बाद आप देखेंगे आपकी पार्टी का नाम यहाँ पर शो हो गया। यहाँ पर देखेंगे आपका इनवॉइस नंबर जो हमने फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी डेट आ गई यानी जिस डेट पर आपकी सेल हुई है वो सेल डेट यहाँ पर आपके सामने शो अप हो गया। जो भी गुड्स था वो अमाउंट यहाँ पर शो हो गया विद IGST के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे आपका HSN नंबर और आपका जो भी टोटल अमाउंट था टैक्सेशन का वो यहाँ पर शो हो गया। आपकी बैंक डिटेल सारी शो हो गई। तो जब भी आप कोई भी सेल इनवॉइस तैयार करेंगे तो इसके अंदर आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप किसी इनवॉइस को देखते हैं, किसी भी कंपनी का इनवॉइस आपके सामने प्रिंट होता है तो उसके अंदर आप देखते हैं ये सभी चीज़ें आपकी एप्लीकेबल होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।